हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सेंटा की ड्रेस बेबी बॉय और गर्ल दोनों के लिए बनाना बताऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे और इसमें हम बेसिक चेन बनाएंगे। ये मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें 65 चेन ले रही हूँ। आप अगर बड़ी बनाना चाहें तो बड़े बच्चे के लिए बना सकते हैं। इस तरह से इसे डबल करके आप नाप के देख लें कि ये बेबी की कमर में आ रहा है या नहीं, उसी हिसाब से आप फंदे डालें। उसके बाद दो एक्स्ट्रा चेन बुनी मैंने, और दोनों एक्स्ट्रा चेन को छोड़ के जो थर्ड नंबर की चेन है उससे मैंने डबल क्रोशिया की बुनाई स्टार्ट कर दी। तो ये जो दो एक्स्ट्रा चेन होती हैं ये भी हमारा एक फंदा बन जाती है। तो मैंने 65 चेन बुनी थी प्लस दो एक्स्ट्रा चेन, मिलके हमारा एक फंदा बन गया। तो मेरे पास 66 फंदे हो जाएंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए, ये जो दो एक्स्ट्रा चेन है ये एक फंदा हो गया। इसके बाद मैंने तीन डबल क्रोशिया और निकाली और अब ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं तीन चेन लेके और इसको पलट लूँगी, और इसको पहले वाले फंदे को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे ये तीन टर्निंग चेन होती है पहला फंदा हो जाता है। तो सेकेंड वाली चेन से मैं फ्रंट पोस्ट से उठा के बुन रही हूँ, और इसके बाद अगले वाले फंदे को मैं बैक पोस्ट से इस तरह से उठा के बुनूँगी जैसे हम बॉर्डर की बुनाई करते हैं। फिर से मैं एक फ्रंट पोस्ट से इस तरह से उठा के बुनूंगी, और इसके बाद एक बैक पोस्ट से। इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट से बुनते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद ये देखिए, मैंने लास्ट तक बुन लिया है। इसके बाद मैं तीन चेन लेके फिर से इसे पलट लूँगी, और पलटने के बाद फिर से पहले वाली चेन को छोड़ के सेकेंड वाली को हम देखेंगे। ये फ्रंट पोस्ट से उठी हुई है तो इसे फ्रंट पोस्ट से ही मैं दोबारा बुन लूँगी, और सेकेंड वाली बैक पोस्ट से है यानी कि पीछे को उभरी हुई है तो इसे बैक पोस्ट से बुनूंगी। तो जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट से उठा के फिर से बुन लेंगे, और जो बैक पोस्ट है उसे बैक पोस्ट से। इसी तरह से ये थर्ड राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी इसका। और उसके बाद ये देखिए, मेरा पूरा तैयार हो गया है। ये हमारे सेंटा की जो सेंटर में बेल्ट होती है वो वाला पोर्शन है। अब हम इसके पहले नीचे से बुनाई करेंगे, तो पहले हम इसे जॉइंट करेंगे। ये जो फर्स्ट वाली चेन होती है हमारी सबसे ऊपर वाली, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे इसमें हम। तो स्लिप स्टिच हम रेड कलर के ऊन से लगाएंगे, यहीं से हम रेड कलर की ऊन इसमें अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। और इसके बाद तीन चेन बुन के यहाँ से हम नीचे का पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने ब्लैक वाली ऊन को काट लिया है। तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए, जिस चेन में हमने तीन चेन बनाई है उसी फंदे में मैं देखिए, उसी चेन के अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया निकाली। इसके बाद आगे की चेन में एक और डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ मैं इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे बीच में जब मैं आऊँगी तो पहले मैं बीच में आपको मार्क लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से सेंटर का बिल्कुल आधा आधा दोनों साइड फंदे गिन लें, और बीच वाले इस तरह से बीच में एक मार्क लगा लें सेफ्टी पिन से या ऊन से। तो देखिए, यहाँ से सेंटर तक मैं बुनती हुई जाऊँगी। एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे मैंने टर्निंग चेन ली थी, उसी चेन के अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया भी निकाल लिया था। तो एक फंदा मेरा यहाँ पे बढ़ गया, और एक फंदा जो मैंने मार्क लगाया वहाँ पे मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ से मैं एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए अपने जहाँ पे मैंने मार्क लगाया वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। ये देखिए, मैं यहाँ तक आ गई। अब इसको हम यहाँ से हटा देंगे निशान को, और इस चेन में भी मैं दो डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। एक ही चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मेरे देखिए, एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और एक जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वहाँ। अब यहाँ से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊँगी, और ये जो लास्ट में चेन दिख रही है ना, इसमें भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। अब ये देखिए, लास्ट वाली ये जो चेन है ये बिल्कुल जिससे टर्निंग चेन के बिल्कुल पास वाली, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, और इसके बाद जो स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, और एक बिल्कुल इसके सामने। ये देखिए, दोनों साइड की चेनों का एक एक फंदा हो गया, और ये जो टर्निंग चेन हम लेते हैं ये हमारा एक एक्स्ट्रा फंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टर्निंग चेन लेते हैं इसके बिल्कुल इसी चेन से हम बुनाई शुरू कर देते हैं। देखिए, जहाँ से हमने टर्निंग चेन ली उसी चेन में मैं एक और डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हमारा हर लाइन में एक एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसके बीच में फिर से दो डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। तो देखिए, इस तरह से बुनते हुए
हर दो डबल क्रोशिया के बीच में बार बार दो डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये 7 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए मैंने दो डबल क्रोशिया के बीच में फिर से निशान लगा लिया है। अब देखिए इनको दोनों को आधे आधे हिस्से में बांट के बराबर मैंने बिल्कुल इसके सामने फिर से मार्क लगा दिया है। 3 चेन लेके मैं हर चेन में एक एक, अब हमें पहले वाले चेन में नहीं बुनना है क्योंकि अब हमें फंदा इंक्रीज नहीं करना है, तो इसलिए हमें इस चेन को छोड़ देना है क्योंकि इसका फंदा ये जो 3 चेन हम बुनते हैं ये हो जाता है। ठीक है, तो हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालते हुए हम यहाँ इस निशान तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया। अब इस निशान को हम यहाँ से हटाएंगे क्योंकि इससे आगे हमें बुनाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस निशान तक ही बुनाई करनी थी। यहीं से हम 3 चेन लेके इसको पलट लेंगे और वापस से हम बुनाई करते हुए जाएंगे। पहले वाला फंदा हमारा हो जाता है ये जो 3 चेन लेते हैं, तो जितने भी फंदे हमारे यहाँ पे बुने हुए हैं इन सब के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। ना हमारा फंदा घटाने हैं और ना ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो हर चेन के ऊपर वापस हम यहाँ तक बुन लेंगे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करके ये देखिए यहाँ तक मैं आ गई। अब ये जो लास्ट में टर्निंग चेन है इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे क्योंकि ये भी एक फंदे की तरह काउंट होती है। अगर हम इसमें नहीं निकालेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा, इसलिए उसमें भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से हम आगे बुनते हुए चले जाएंगे। ये एक पैर का हमारा बन रहा है, इसके बाद हम दूसरे पैर का बनाएंगे। तो इस तरह से 3 चेन लेके वापस से पलट के हम वहाँ तक बुनेंगे और इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से मैंने 11 राउंड इसके कंप्लीट किए हैं और ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे 11 नहीं, मैंने इसके 7 राउंड और कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आके ये जो लास्ट पे टर्निंग चेन होती है इसमें हम नहीं बुनेंगे क्योंकि अब हमें फंदे थोड़े से कम करने हैं, नीचे से थोड़ा सा इसे कम करना होता है। तो पहले फंदे को छोड़ के हमेशा सेकंड वाली चेन से ही हम बुनाई करेंगे क्योंकि 3 जो हम चेन बुनते हैं टर्निंग वो एक फंदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जब हम लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे भी ये जो टर्निंग चेन है इसमें नहीं बुनेंगे, सिर्फ यहाँ तक हम बुनेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। तो इस तरह से हर लाइन में हमारा एक एक फंदा डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि घटता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ, अब मैं इसमें एक फंदा नहीं बुनूंगी और यहीं से पलट के 3 चेन लेके इसको पलट के फिर से वापस बुन लूँगी। इसी तरह से मैं इसमें 3 राउंड और कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए 3 राउंड और कंप्लीट कर लिए मैंने, टोटल 10 राउंड हो गए मेरे पास। ठीक है, इसके बाद मैं वाइट कलर से इसका बॉर्डर बनाऊँगी। इस तरह से मैं इसमें वाइट कलर अटैच करूँगी और इसके बाद मैं सबसे पहले चेन लूँगी और इस तरह से इसको बुनाई में लेते जाएंगे इस बचे हुए धागे को। और इस तरह से इसमें 2 चेन और लेके ये रेड वाले धागे को भी काट के मैं इसको भी बुनाई में ले लूँगी साथ में। और अब अगली चेन से, पहली को छोड़ के अगली चेन से, हमेशा याद रखें कि जो हम चेन लेते हैं 3 एक्स्ट्रा वो एक फंदे की तरह काउंट होती है। तो हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकाल लूँगी मैं और इसमें भी मुझे लास्ट वाले फंदे को छोड़ते हुए जाना है, डिक्रीज करते हुए जाना है फंदे हर बारी। तो इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ तक मैं अपना बुन लूँगी। ये देखिए मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से फिर 3 चेन लेके मैं इसको पलट लूँगी और जैसे हमने ये ब्लैक वाला बनाया था बॉर्डर फ्रंट पोज और बैक पोज से, इसी तरह इसको भी पहले फंदे को छोड़ के सेकेंड वाले फंदे को पहले फ्रंट पोज से उठा के बुनेंगे, फिर अगले फंदे को बैक पोज से उठा के बुनेंगे। जैसे हमने ऊपर बॉर्डर बनाया ब्लैक, सेम वैसे ही यहाँ पे भी 3 लाइन का बॉर्डर हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए 3 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद ये मेरा एक पैर का हिस्सा बन गया है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरे पैर का हिस्सा बनाऊँगी। ये देखिए इसके बिल्कुल जस्ट पास वाले फंदे से, ये देखिए इस वाली चेन में ये फंदा बुना है, तो इसके बिल्कुल जस्ट पहले वाली चेन में हम इस तरह क्रोशिया को निकालेंगे और इस तरह से इसमें धागा फिर से अटैच करेंगे रेड कलर का। और जैसे उस साइड हमने बुना था सेम उस साइड इसमें भी हम पहले 7 राउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 3 राउंड में फंदे घटाएंगे नीचे की साइड और उसके बाद वाइट कलर से बॉर्डर बनाते हुए ये वाला पैर भी हम कंप्लीट कर लेंगे इसका। इस तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरे छोर तक इसके यहाँ तक पहुँच जाएंगे।
और जस्ट इसके एक पहले वाली चेन तक इसको भी हम बुन लेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से, अगर आप चाहें तो इस तरह से पजामे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आपको सिल देना है, ये जो खुला हुआ पोर्शन है। और ये पीछे से भी आप चाहें तो यहाँ पे एक बटन या डोरी लगा सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं, या फिर इसको भी आप सिल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर का पोर्शन बनाएंगे, यहाँ का फ्रंट से, तो इतना इस तरह से हमें बनाना होगा। तो अगर आप बड़ा साइज का बना रहे हैं तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़ना होता है इसमें, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो इसकी कमर पहले से ही छोटी है, तो मैं बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर तक बनाऊंगी। तो इस तरह से आप चाहें तो निशान लगा लें दूसरे कॉर्नर पे कि हमें यहाँ तक बुनना है, इससे हमें याद रहेगा। और इस कॉर्नर से मैं उठाऊंगी फंदे, यहाँ से मैं अपना धागा अटैच करूंगी रेड कलर का, फिर से इस तरह से, और फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए जाऊंगी। सबसे पहले मैं 3 चेन बुनूंगी और इसके बाद हर चेन में, ये 3 चेन पहला फंदा हो गया मेरा, इसके बाद अगली चेन में मैं एक डबल क्रोशिया निकालूंगी। और इसी तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें हमें हर लाइन में फंदे घटाते हुए जाने हैं, ऊपर जाते जाते ये कम हो जाए, ऐसा बनाना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इस निशान को हटा दूँगी और इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन लेके मैं इसको पलट लूँगी। और पलटने के बाद जैसे हम पैर में एक एक फंदा घटा रहे थे, लास्ट वाली टर्निंग चेन में हम नहीं बुन रहे थे, यहाँ पे बनाया था जैसे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें लास्ट में ये जो टर्निंग चेन होती है, हर बारी हर लाइन में हमें उसको छोड़ देना होता है, उसको नहीं बुनना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हर राउंड में एक एक फंदा कम होता हुआ चला जाएगा। ये देखिए कि मैं सेकंड लास्ट तक पहुंच गई हूँ, तो ये सेकंड लास्ट वाले में मैं निकालूंगी इस चेन में। और इसके बाद ये जो टर्निंग चेन के ऊपर हम जो निकालते हैं हर बार, इसमें मैं नहीं बुनाऊंगी। अगर आप गिन के बनाएंगे हर बार तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, इससे आपको पता रहेगा कि हर लाइन में एक फंदा कम हो रहा है। इसी तरह से जब हम दोबारा लौट के जाएंगे तो दूसरी साइड का भी हम टर्निंग चेन का फंदा छोड़ देंगे। तो ये धीरे धीरे इस तरह से कम होते जाएंगे। देखिए मैंने 3 राउंड किए, यहाँ पे आ गई मैं तीसरे राउंड पे, अब यहाँ से मैं 3 चेन लेके पलट रही हूँ, लास्ट वाला फंदा छोड़ दिया है, इसके बाद एक राउंड और बनाऊंगी। चौथे राउंड में भी ये देखिए मैंने लास्ट का फंदा छोड़ दिया है, अब यहाँ से मैं वाइट कलर इसमें अटैच कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये इतना मेरा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं वाइट कलर का बॉर्डर बनाऊँगी, तो वाइट कलर में यहाँ से अटैच करूँगी इस तरह से। और जैसे हमने पैरों पे बॉर्डर बनाया है और ये ब्लैक वाला बॉर्डर बनाया, सेम इसी तरह से इस वाइट कलर से मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊँगी। सबसे पहले हम एक एक डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे हर फंदे में, और इसमें भी हमें हर बार लास्ट की टर्निंग चेन का फंदा छोड़ देना है, इसमें भी हमें फंदा डिक्रीज करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से सेम ऐसे ही मैं ऊपर भी बॉर्डर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद मैंने एक साइड का ये रिबन बना लिया है, इसमें बटन लगा के पीछे, और इस तरह से ये लगाएंगे हम, क्रॉस में लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं। तो मैं दूसरी साइड का आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया। ये बिल्कुल कॉर्नर वाली जो टर्निंग चेन होती है, इसके सबसे ऊपर वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, सबसे पहले वाले फंदे में, कॉर्नर वाले में, और यहाँ से रेड धागे को इसमें अटैच करेंगे और 3 चेन बना लेंगे सबसे पहले, और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद एक एक फंदा हमारा ये हो गया 3 टर्निंग चेन। इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया और निकालेंगे आगे की चेनों में, 2, एक चेन में और डबल क्रोशिया निकालूंगी, ये 3, इसके बाद एक अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया। तो ये मैंने 4 डबल क्रोशिया निकाल ली है। इसके बाद 3 चेन लेके मैं इसको पलट लूँगी और इनके ऊपर फिर से मैं 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से बनाते हुए टोटल 15 राउंड में कंप्लीट कर लूँगी। 15 राउंड कंप्लीट होने के बाद मेरा इस तरफ का ये फीता भी बिल्कुल उतना ही बन जाएगा जितना मैंने दूसरी साइड का बनाया है, ठीक है, इस तरह का। और देखिए मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और ये मैं नीचे से अब इसको सिल के बताती हूँ, इसको उल्टा कर लें आप
उल्टा करने के बाद ये वाइट वाला पार्ट मैंने वाइट धागे से सिल दिया है। इस तरह से मैं रेड कलर के धागे से आपको रेड वाला पार्ट सिल के दिखा रही हूँ। सुई से या क्रोसिया से जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको उसी से सिल सकते हैं। इस तरह से दोनों हिस्सों के एक एक चेन उठा के सुई से और इसको इस तरह से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिल लेंगे। तो सिलने के बाद ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। इसके बाद मैंने ये ऊपर दो बटन लगा दिए हैं और बटन लगाने ये देखिए पीछे मैंने ये दूसरे कलर का बटन इसलिए लगाया है ताकि आप ठीक से देख सकें। ब्लैक कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो पीछे आप फ्लैट वाले बटन लगाएं जिससे कि बच्चे को चुभे ना। और इस तरह से इसमें हम ये दोनों रिबन को इस तरह से बांध देंगे। अब इसके सेंटर में हम एक येलो कलर का जैसे सेंटा की बेल्ट होती है इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आप येलो ऊन को सुई में डाल के और इस तरह से सिलें जैसे मैं दिखा रही हूँ। सीधे सीधे जैसे हम सीधा स्टिचिंग करते हैं ना वैसे ही हमें बस थोड़े बड़े देखिए बड़े फंदे इस तरह से हमें भर के सिलना है इस तरह से। तो चारों तरफ हम इसी तरह से सिल के एक स्क्वायर जैसा बना लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल सेंटा की बेल्ट के जैसा लगेगा। और अगर आप इसको बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ये जो स्टार्टिंग में ब्लैक वाले बेल्ट में हमने 65 फंदे लिए थे इसको आप 75 फंदे कर लें 6 महीने तक के बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हैं तो। और फिर नीचे का पूरा पैटर्न उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा, उसी हिसाब से आप फंदे इंक्रीज करते हुए बढ़ाते हुए चले जाएं तो ये 6 महीने के बच्चे का बन जाएगा। इस तरह से इसको बना लें। ये देखिए मेरी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है इसको बनाने के बाद। अब इसको नीचे के पोर्शन को अगर हम चेंज कर देंगे, ऊपर का पोर्शन हमारा सेम रहेगा और सिर्फ ये नीचे का पोर्शन को चेंज करेंगे तो ये हम फ्रॉक की तरह बना सकते हैं। देखिए ऊपर का पोर्शन मेरा वैसा ही है, मैं सिर्फ नीचे का पोर्शन इसका चेंज करके बताती हूँ कि हम फ्रॉक के घेरे की तरह कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना रेड धागा अटैच करके इसमें स्लिप स्टिच लगाऊंगी रेड कलर के धागे से इस तरह से, जो हमारा ओपन वाला हिस्सा था वहाँ से रेड कलर से स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन बना लूँगी। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में एक फंदा इंक्रीज कर रहे थे, अब हमें तो हमें 2 फंदे निकालने थे, अब हम इसी चेन में 2 फंदे की जगह 4 फंदे निकालने हैं। तो एक तो जो हम 3 चेन लेते हैं वो हो गया, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया और निकाल लिए हमने एक ही चेन के अंदर, तो टोटल 4 फंदे हो गए हमारे ठीक है एक चेन के अंदर। इसके बाद हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है हमको एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद। ये देखिए पहले हम सिर्फ आमने सामने एक एक फंदा इंक्रीज कर रहे थे यहाँ और यहाँ पे, अब हमें क्या है करना है कि अब हमें दोनों इस साइड भी फंदे इंक्रीज करने हैं। पहले एक एक फंदे यानी कि एक एक इंक्रीज कर रहे थे तो 2 फंदे एक साथ ले रहे थे, अब हमें 4 फंदे एक साथ लेने होंगे एक ही चेन में ठीक है। तो आमने सामने हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे फंदे गिन के बिल्कुल आधे आधे, और फिर दोनों साइड इधर से भी आधे आधे फंदे गिन के हम उसके बीच में भी दोनों कॉर्नर पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ कहाँ पे, अगर आप चाहें तो इस तरह से ऊन से भी मार्क लगा सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ कहाँ पे ब्लॉक बनाने हैं 4-4 के। तो यहाँ से मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने इस मार्क तक पहुँच जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है हमें। देखिए हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ और ये मैंने पूरी लाइन कंप्लीट यहाँ तक कर ली है और मैं पहले मार्क तक अपने पहुँच गई हूँ। और यहाँ पहुँचने के बाद मैं इस मार्क को हटा के और इस वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया निकाल लूँगी, एक ही चेन के अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने 4 डबल क्रोशिया निकाल ली इसमें। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ दूसरे निशान तक पहुँचूँगी और यहाँ पे भी मैं 4 डबल क्रोशिया निकाल लूँगी सेफ्टी पिन को निकाल के। पहले एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम वहाँ तक जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और जैसे हमने ये 2 ब्लॉक बनाए इसी तरह यहाँ पे भी हम 4 का एक ब्लॉक बना देंगे। इसको
सेफ्टी पिन को निकाल के एक ही चेन के अंदर मैं चार डबल क्रोशिया बना लूँगी एक साथ, ठीक है। सेम चेन में फोर डबल क्रोशिया बना लिया हमें। इसके बाद फिर एक एक चेन में बनाते हुए यहाँ तक बुनूंगी और यहाँ आने के बाद स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को ख़त्म कर दूँगी। तो देखिए राउंड मैंने ख़त्म कर दिया है पूरा, ये चार तरफ मैंने फंदे बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी सबसे पहले वाली चेन में इस तरह से, और इसके बाद फिर से मैं चेन बुनूंगी तीन, और ये जो पहले वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया निकाल लूँगी पहले वाली चेन में। ये जो चार के बीच वाला बिल्कुल सेंटर वाली जो चेन होती है ना, ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर वाली दो डबल क्रोशिया एक साइड कर दिए, दो दूसरी साइड, और बिल्कुल सेंटर में फिर से हमें चार डबल क्रोशिया निकाल लेनी है इस तरह से। और अगली हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे, और दूसरे ब्लॉक में पहुंचने के बाद फिर से हम इनके बीच में चार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। और इसी तरह से इसको ये देखिए यहाँ बीच में पहुंच गई, इसमें भी मैं चार डबल क्रोशिया निकाल लूँगी, और इसी तरह से बुनते हुए मैं इसको चार राउंड कंप्लीट कर लूँगी। और इसके चार राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। इसके बाद मैं फिर से देखिए इस तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये चार के बीच में हर बारी हमें हर राउंड में चार डबल क्रोशिया के बीच में फिर से चार डबल क्रोशिया बनानी होगी। इस तरह से मैं इसके चार राउंड कंप्लीट कर लूँगी और इसका घेरा बनता जाएगा। ये देखिए चार राउंड मैंने इसके इसी तरह से बुने थे। उसके बाद जब इसमें काफ़ी घेर बन गया तो मैंने इसमें चार राउंड के बाद फंदे बढ़ाना ख़त्म कर दिए, और मैं एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में निकालती रही। वो जो चार का ब्लॉक बनाया था वो मैंने नहीं बनाया, सिंपल एक एक डबल क्रोशिया निकालती रही। और इसी तरह से मैंने इसमें 12 राउंड कंप्लीट करे, और उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है, एक चेन छोड़ के और एक चेन के अंदर ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई, और सेम उसी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई, और सेम उसी चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरह से ये एक ब्लॉक बन गया हमारा तीन फंदों का। तो फिर उसके बाद फिर से एक चेन छोड़ूंगी और अगली चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया सेम उसी चेन के अंदर, और फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं सेम उसी चेन के अंदर। इस तरह से तीन तीन का ब्लॉक बनाते हुए मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। इसी तरह से इस बॉर्डर को मैं कंप्लीट करके इसमें स्लिप स्टिच लगा दूंगी, और ये मेरी फ्रॉक पूरी तैयार हो जाएगी सेंटा वाली इस तरह से। ये देखिए एक एक चेन छोड़ के मैं ये ब्लॉक बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया का, और लास्ट में मैं इस तरह से स्लिप स्टिच लगा दूंगी और इसको धागे को काट दूंगी। आप चाहें तो एक राउंड और बना लें इस पर। इस तरह से ये जो ब्लॉक है इसके बीच बीच में फिर से तीन तीन का ब्लॉक बना लें, तीन तीन फंदों का, तो इस पर डबल राउंड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी सेंटा की ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गई है फ्रॉक। इस तरह से चार राउंड में हमें बनाए थे, उसके बाद मैंने फंदे नहीं बढ़ाए, प्लेन में हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बनाती हुई चली गई। तो मेरी फ्रॉक तैयार हो गई है। इसकी मैचिंग की कैप और जूते अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये पिकाचू की ड्रेस भी मैंने इसी पैटर्न से बनाई है, तो इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, और सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस।